अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधायक विकास उपाध्याय की चेतावनी के बाद भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। रायपुर के गोढ़ियारी क्षेत्र के रहवासी आज दूसरे दिन भी पानी भरने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि विधायक विकास उपाध्याय ने 24 घंटे में पाइपलाइन सुधारने की बात कही थी। निगम कमिश्नर सौरभ कुमार ने रात तक पाइपलाइन जोड़ देने का आश्वासन दिया था, लेकिन गुढ़ियारी में महिलाएं पानी भरती हुई नजर आ रही हैं। यहां की महिलाओं का कहना है कि आज भी काफी पानी की समस्या हो रही है, आधे से ज्यादा समय पानी भरने में ही गुजर जाता है और यहाँ काफी लोग थाने में पानी भरने आ रहे हैं, रोजमर्रा का काम भी प्रभावित हो रहा है और तमाम व्यवस्थाओं या फिर जो हालात हैं उनके का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता भी मौके पर पहुंचे थे। चलिए आपको दिखाते हैं। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी में आज भी पानी की समस्या बरकरार है। आज हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये गुढ़ियारी थाना का नजारा है जहाँ पर यहाँ के रहवासी हैं वो पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कल ही जो है विधायक विकास उपाध्याय ने निगम आयुक्त सौरभ कुमार को लताड़ा था और उन्हें कहा था कि 24 घंटे के भीतर जो है पाइपलाइन को बनाए जाने का काम हो जाना चाहिए, जिसके जवाब में सौरभ कुमार ने भी कहा था कि रात तक इस पाइपलाइन को हम जोड़ कर देंगे। लेकिन आप खुद ही देखिए कि ये जो काम है वो अब तक नहीं हुआ है। यहाँ पर आज भी जो महिलाएं हैं वो पानी भरने को मजबूर है। हम महिलाओं से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि वे जो था पानी आप लोग जो भर रही हैं आज भी भर रही हैं, पाइपलाइन अभी तक बना नहीं है? बना नहीं है, तभी तो आ रहे हैं। पानी का दिक्कत है, घर में पानी नहीं है, इसीलिए आए हैं। कब से ये समस्या है आप लोगों को? हो गया हाँ। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ की महिलाओं ने बताया 3 दिन से ये जो है यहाँ पर इसी तरीके से पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। पीने का पानी नहीं है, नहाने का पानी नहीं, इनके पास किसी भी तरह की पानी की जो समस्या है वो काफी ज्यादा जो है वो बड़ी है। इसी सिलसिले में विधायक विकास उपाध्याय ने निगम की टीम को भी लताड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो काम है वो नहीं हो सका है। कैमरामैन रेखा देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस। और यहाँ रुकना है छोटे से ब्रेक के लिए।